स्ट्रेट और ऐसा बेस मोटा रखो, शेप कोई भी सिलेक्ट करो भाई, फैशनेबल फ्रेम्स हैं और जैसे मैंने वीडियो में दिखाया ऐसे एंटी ग्लेयर लोगे ना मेरे भाई, दिल फैक्ट्स, सो आपका ना वो बेस में छुप भी जाएगा और अच्छा दिखेगा भी। शुरू शुरू में क्या होता है ना, जब एजिंग होता है राइट, सो ये डेमिलेंस होता है, ये जब एजिंग होता है तो यहाँ वाइटिश दिखता है थोड़ा, वो धीरे धीरे पुस्ते पुस्ते चला जाता है। लेकिन आप स्क्वायर में लो या थोड़ा नीचे से ओवल होगा, चलो पूरा ओवल मत लो क्योंकि -12 के ऊपर का नंबर है, लेकिन फुल फ्रेम में ज़रूर लो। फुल फ्रेम मतलब फिर बता दे रहा हूँ, पूरा कवर यहाँ से लेके नॉट लाइक हाफ ऐसा, ये देखिए हाफ फ्रेम है, ऊपर से तो कवर है नीचे खुला, प्लस मेटल का भी नहीं होना चाहिए, मेटल का बॉडी पतला होता है। दिखा दूँ कंपैरिजन में, देखिए मेटल वर्सेस आपका जो फुल फ्रेम होता है टीआर में या सेल में, कितना पतला ही है, तो ये बेस कैसे हाइड करेगा। सो ये सारा चीज़ आपको बता दे रहा हूँ गाइस, आप जान के रखिए। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए, बहुत मेहनत लगता है भाई, सारा दिन काम करके आने के बाद ये सारा वीडियो लाना सिर्फ इसलिए करता हूँ क्योंकि अच्छा लगता है आप लोगों से बात करना राइट, और पैसा भी नहीं लगता सब्सक्रिप्शन का, सो कर दीजिए। सर आपका शादी हुआ है या नहीं? नहीं अभी नहीं हुआ है, ठीक है, और बहुत जल्द ये सारा डिटेल्स में वीडियो आएगा, आप चिंता मत कीजिए, क्योंकि सिर्फ चश्मा का तो आप लोगों के साथ जुड़ाव नहीं है, बहुत तरीके से जुड़ा हुआ हूँ, 4-5 साल का जो रिश्ता है हम लोगों का बहुत पुराना रिश्ता है, तो मैं ज़रूर बताऊँगा। एक है जिनसे मैं प्यार करता हूँ और शादी करना तो उनसे ही करूँगा, जिनका नाम है इप्सिता रॉय, चलिए मैं नाम भी बता दे रहा हूँ, और अगर नहीं हुआ तो नहीं करूँगा, लेकिन करूँगा तो उनसे ही करूँगा, उनका नाम इप्सिता रॉय है। चलिए गाइस आज जो भी है सब्सक्राइबर जितने भी हैं, लेकिन आप कमेंट में लिख दीजिएगा इप्सिता मैम, सो मेरे को अच्छा लगेगा, एक खुशी होगी। सो इप्सिता रॉय अगर शादी होगी तो उनसे होगी, नहीं तो नहीं होगी। डेल फैक्ट्स भाई, आप रियल जानकारी देते हो, थैंक यू मेरे भाई, थैंक यू, आप लोगों का प्यार है दोस्त, कसम से इतना मोटिवेशन मिलता है ना, मैं पैसे का वो सबका सब परवाह करते, सबको चाहिए पैसा, मेरे को भी चाहिए, लेकिन ये जो लाइव स्ट्रीम में आके ना डेल फैक्ट्स इप्सिता रॉय, ओके थैंक यू। देखिए जो हेल्प फैक्ट्स आपने जो बात बताए हैं, थैंक यू। अभी मैं जो बता रहा था गाइस कि अभी आके ना जो मैं ये सारा वीडियो बनाता ना, प्यार की वजह से गाइस, प्यार एक ऐसा कीमत है, एक ऐसा पैसा है जिसको कोई नहीं चुका सकता, सब रहेगा नहीं रहेगा, प्रॉब्लम्स रहेगी, फिनेंशियल प्रॉब्लम उभर जाएगी, लेकिन ये आप लोगों का जो प्यार है ना गाइस, ये बहुत इम्पोर्टेंट है मेरे लिए, और मैं बहुत खुश होता हूँ कि इतना लाइव स्ट्रीम में इतना रात को भी लोग जाग के देखते हैं। मैं जल्दी कोशिश करूँगा, बहुत लोगों ने बोला सर थोड़ा जल्दी आया कीजिए, लेकिन आप लोग देखते हैं सर, मतलब थैंक यू फॉर दैट भाई। मेरा 6x6 है, कौन सा फ्रेम लेगल हूँ झुम्पा मैम, आप एक काम कीजिए ना, 6x6 है तो कोई भी फ्रेम सिलेक्ट कर सकती है, मेटल नॉन मेटल, फेस शेप बताइए तो मैं आपको बताता हूँ कौन सा अच्छा होगा, नहीं अगर बता सकती तो आप मेरा लास्ट वीडियो देख लीजिएगा, लास्ट वही है, फेस शेप के हिसाब से आपका फ्रेम सिलेक्शन। सोनू रजाक, इप्सिता रॉय भाभी जी, सोनू रजाक थैंक यू, सोनू रजाक जी हाँ भाभी तो वही बनने वाली है, या तो कोई नहीं, और आप लोग तो मेरे भाई लोग हो, सब्सक्राइबर लोग हो राइट, मित्र हो, दोस्त हो, जान से प्यारे हो। मैडम के नाम से स्माइल आ गई भाई,
वाला प्यार हुआ है इसी तरह ऐसे। हाँ हाँ भाई।